जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं देसी टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मोबाइल वॉल्यूम के बारे में। क्या होता है कि दोस्तों आप जब आप नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसका आवाज़ काफ़ी तेज़ होता है, जबकि वही मोबाइल पुराना हो जाता है तो उसका आवाज़ काफ़ी धीरे हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि इसका आवाज़ दब गया है। तो क्या दोस्तों आपका भी मोबाइल का आवाज़ धीरे हो गया है? अगर हो गया तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आज हम उसी का सलूशन लेके आया हूँ, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका मोबाइल में गूगल होगा, उस गूगल को आप ओपन कर लीजिए। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कीजिए फिक्स माई स्पीकर। सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर का ऑफसाइड एक टॉप में ही आ जाएगा, तो उस पर आप चले जाइए। दोस्तों उस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए लिखा है इजेक्ट वाटर फ्रॉम आवर फोन स्पीकर आफ्टर गेटिंग इट वेट। तो दोस्तों यहाँ से आप जो बीच वाला जो दिखा रहा आइकन उस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह दोस्तों आप 2 से 3 मिनट तक कीजिए, साउंड को बढ़ाइए, साउंड को फिर से कम कीजिए, फिर ज़्यादा कीजिए, 2 से 3 मिनट तक कीजिए। तो देखिए इस तरह का वाइब्रेशन देगा अंदर से। दोस्तों आप इसको 2 से 3 मिनट तक कीजिए, आपका स्पीकर अगर दबा होगा तो ये फिर से सही हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल काफ़ी गंदा या कचरा चल जाने के कारण से क्या होता है, आवाज़ तेज नहीं निकल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप अपना मोबाइल बच्चों को दे देते हैं तो बच्चा क्या करता है, मोबाइल मुंह में ले लेता है, और जिसके कारण से उसका लार होता है जो स्पीकर में चल जाता है, जिसके कारण से स्पीकर में जंक लग जाता है, आवाज़ नहीं आने देता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जाइए और 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह कीजिए, साउंड को बढ़ाइए, फिर से माइनस कीजिए, फिर घटाइए, इसी तरह 2 से 3 मिनट तक कीजिए और मोबाइल को सीधा पकड़ के रखिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि के अंदर जितने भी गंदगी आपका मोबाइल में होगा वो बाहर आ जाएगा और आपका आवाज़ पहले से काफ़ी तेज़ भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।